हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। देखिए, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों में 250 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि किस विभाग में कितने पद भरे जाएंगे। तो देखिए, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देखिए, सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वन रक्षकों यानी फॉरेस्ट गार्ड के 113 पद आने वाले समय में भरे जाएंगे। इसके अलावा स्थानीय लेखा विभाग में जो है सीधी भर्ती के माध्यम से कनिष्ठ लेखा परीक्षकों यानी जूनियर ऑडिटर के 14 पद भरे जाएंगे। तो देखिए, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग IPH में जो है स्टेनोग्राफर के आने वाले समय में 40 पद भरे जाएंगे। देखिए, इसके अलावा डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में विभिन्न विभागों में सहायक प्राध्यापकों यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के 15 पद भरे जाएंगे। तो देखिए, ये पद हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से भरे जाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर यशवंत सिंह परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज नाहन में भी विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के 14 पद भरे जाएंगे। तो देखिए, प्रदेश की नगर परिषदों में सफाई निरीक्षकों यानी क्लीनिंग इंस्पेक्टर के 6 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कनिष्ठ कार्यालय सहायक यानी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 10 पद भरे जाएंगे। तो देखिए, ये थी जानकारी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से आने वाले समय में विभिन्न विभागों में भरे जाने वाले पदों के बारे में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। तो देखिए, इस फैसले के तहत हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों अस्थायी जल रक्षकों को रेगुलर किया जाएगा। तो देखिए, सरकार जल रक्षकों यानी वाटर गार्ड को अनुबंध आधार पर चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बनाएगी और इसके लिए IPH में चतुर्थ श्रेणी के 1026 पदों को खाली किया जाएगा। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से वाटर गार्ड को अब पंप अटेंडेंट के रूप में नियुक्त किया जाएगा और इस फैसले का लाभ उन वाटर गार्ड को मिलेगा जो 8वीं या 10वीं पास है और पूर्व में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत भर्ती हुए थे। तो देखिए, वर्तमान समय में पंचायतों में कुल 6500 जल रक्षक तैनात हैं। तो देखिए, ये थी पूरी जानकारी हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की ओर से आने वाले समय में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भरे जाने वाले विभिन्न पदों के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।